सांसद धर्मेंद्र कश्यप जिंदाबाद। माननीय सांसद जिसे मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और साथ में आए जिले के मंत्री आदरणीय सुनील गुप्ता जी से भी अनुरोध है कि वो मंच पर आए और जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय नीलचंद मौर्य जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और इसी के साथ हम आप सबका स्वागत और वंदन करते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पे आने पर। अब मैं माननीय लोकप्रिय जनप्रिय सांसद जी से अनुरोध करूंगा कि वो पहले आए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्या प्रतिमा पर आप माल्यार्पण कर कर वंदन और नमन और सभी से अनुरोध करूंगा कि कृपया थोड़ा सा ध्यान रखें, माननीय सांसद जी को ऊपर चढ़ने दे और बाकी एक आदरणीय चेयरमैन साहब हो जाए और साथ में आए जिला उपाध्यक्ष नेमचंद मौर्य जी, सुनील गुप्ता पप्पी जी और आदरणीय प्रदेश के संगठन के व्यापार मंडल के महामंत्री सुनील गुप्ता जी, उनसे भी अनुरोध करूंगा। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, धर्मेंद्र कश्यप। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पे माल्यार्पण हो रहा है और साथ ही श्रद्धांजलि देते हुए पुष्प अर्पित हो रहे हैं और वो जयंती है श्रद्धा सुमन अर्पित हो रहे हैं। सॉरी मैं अपने शब्दों को मैं रामदीन सागर से अनुरोध करूंगा कि वो स्वागत माला हरीश मौर्य जी, भाई पप्पी भैया जी, राजेश जी, बबलू जी, प्रधान जी, हमारे सभासद जी, गुलजार जी, हमारे बहुत पुराने साथी भाई अरविंद पेंटर सभासद जी, भाई गुलजारी लाल जी, गौर साहब और कांग्रेस सुनील श्रीवास्तव जी और अभी जिनको आप सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को बड़ी मेहनत से सजाने का काम किया है ऐसे भाई रामदीन सागर सभासद जी, हरीश जी, हरीश चौहान एडवोकेट जी और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्ग नौजवान साथी, हमारी माताएं बहने प्यारे साथी, साथियों और मित्रों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चित्रण को अभी रामदीन सागर जी ने किया। आप जरा कल्पना करें, हमारे विद्वानों ने कहा कि हमारे न रहने के बाद, हमारे न रहने के बाद लोग हमें याद करें तो या तो ऐसे साहित्य लिख जाएं जिन्हें लोग पढ़ें या ऐसे कृत कर जाएं जिन्हें लोग याद करें। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ऐसे साहित्य भी लिखे गए जिन्हें लोग पढ़ रहे हैं और ऐसे कार्य भी करके गए जिन्हें लोग याद कर रहे हैं। विरला को आप कल्पना करें कि जहां सागर साहब ने बताया रामदीन जी ने कि देश में छुआछूत चरम पर, लोगों के साथ अन्याय और शोषण, जहां आर्थिक तंगी, शारीरिक कष्ट,
और मानसिक परेशानी भी देने का काम इस व्यक्ति को किया गया। क्या गुजरी होगी उस व्यक्ति के दिल पर? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने साहित्यों को पढ़े, पूरी घटना का जिक्र रामदेव जी ने किया, लेकिन जो समाज की दशा और दुर्दशा, बाबा साहब ने कहा कि जब मेरे जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के साथ समाज में ये भेदभाव हो सकता है, ये बर्ताव हो सकता है, तो उन तमाम करोड़ों अरबों लोगों के साथ क्या हो रहा होगा जो पढ़े लिखे नहीं। तब उन्होंने कहा कि ये छुआछूत का भेदभाव, ये छुआछूत का भेदभाव, ये बीमारी छूत अछूतों की, ये छुआछूत का भेदभाव, ये बीमारी छूत अछूतों की, दुर्दशा न होने दूंगा मैं माँ के इन सूर सपूतों की, ये छुआछूत का भेदभाव, ये बीमारी छूत अछूतों की, दुर्दशा न होने दूंगा मैं माँ के इन सूर सपूतों की, जब तक है पाखंड धरा पर, जब तक है पाखंड धरा पर, आदरणीय विष्णु जी आइए स्थान ग्रहण कि जब तक है पाखंड धरा पर तब तक मैं चैन नहीं लूंगा, सर पर पहाड़ हूं विपदा के, हरगिज मैं बेचैन नहीं। तो जो व्यक्ति गरीबों की, शोषितों की, पीड़ितों की, जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनके साथ अत्याचार हुआ, जो समाज में पिछड़े रह गए, देश की प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने जब शपथ लिए थे तब कहा था, रामदेव जी कह रहे थे आप सोचे महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं, तब इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि अगर इस देश का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं बनाया होता तो इंदिरा गांधी कभी देश की प्रधानमंत्री नहीं। आज हम भी कहते कि अगर इस देश का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नहीं बनाया होता तो धर्मेंद्र कश्यप जैसे लोग संसद के अंदर नहीं है। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है, हमें बोलने का हक दिया, हमें डोलने का भी, बोलने के साथ साथ डोलने का भी हक दिया। और बाबा साहब ने कहा जो मंत्र दिया, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, क्यों कहा कि अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा, और उन्होंने कहा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना ज्यादा पिएगा उतना ज्यादा दहरने का काम करेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ एक बार नहीं कई बार जास्तियां हुई, लगातार उनको मानसिक चोट देने की कोशिश की गई। आप कल्पना करें जिनको बहुत पहले भारत रत्न मिल जाना चाहिए था उसमें भी देने में कहीं ना कहीं देरी की गई। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि इस देश में जो गैर बराबरी है, जो छुआछूत है, जो ऊंच नीच है, ये जड़ से समाप्त होना चाहिए और महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस समरसता दिवस के रूप में मना रही, और केवल मना नहीं रही है बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, बाबा साहब का जहाँ जन्म हुआ था, बाबा साहब ने जहाँ दीक्षा ली, बाबा साहब ने जहाँ शरीर त्यागने का काम किया, ऐसे पंचतीर्थ मनाने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि महिलाओं को अधिकार मिले। आप कल्पना करें कि जिस तरीके से
महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता था, क्या स्थिति थी। ये एक सरकार की योजनाएं अगर प्रधानमंत्री जी ने बनाने का काम किया है तो बाबा भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा से प्रेरित होकर के करनी पड़ता है। कैसे महिलाओं का सम्मान हो, कैसे दलित वंचित पीड़ित शोषित उनको न्याय मिले, वो विकास की मुख्यधारा में आए, इस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करने का प्रयास कर रही है। साथियों और मित्रों, हमें और आपको जरूरत है कि केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलने की। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, जिस व्यक्ति ने बाबा साहब के इतिहास को पढ़ लिया, जिस व्यक्ति ने बाबा साहब के इतिहास को जान लिया, जिस व्यक्ति ने बाबा साहब की कार्यशैली के बारे में ठीक से अध्ययन कर लिया, वो किसी के बंधन में बंधने वाला नहीं। बाबा साहब यही चाहते कि हम समाज में जो गरीब लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, जिनको अधिकार से वंचित किया गया है, उनके बारे में सोचने का काम करें। और भारतीय जनता पार्टी लगातार आज पूरे देश में बूथ स्तर तक, गांव स्तर तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती मनाने का काम करें। उसी क्रम में, क्योंकि हमारा तो सुबह से कई कार्यक्रम होते हैं और सबसे ज्यादा शहर में भी लोग बुलाते, आज मैंने शहर के कार्यक्रम सारे स्थगित कर दिए। मैंने कहा जितने मेरे क्षेत्र में कार्यक्रम है उनमें मैं जाने का काम करूंगा। रामदीन जी पिछली बार भी मुझसे कहते रहे, इस बार मैंने आश्वासन दिया था कि अवश्य आऊंगा। मैं रामदीन जी को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और जैसा सुनील गुप्ता जी कह रहे थे कि हम आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए मार्ग पे तो चलने का प्रयास करेंगे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जिन्होंने शिक्षा पर बहुत जोर दिया और उन्होंने कहा थाली ना हो तो हथेली पर रख करके खा लेना, लेकिन अपनी संतान को शिक्षा अच्छी जरूर दिला देना। क्यों दिला देना, शिक्षित ही विकसित होता है। अगर हम शिक्षा बच्चों को नहीं देंगे तो विकास की दौड़ में पिछड़ जाएंगे, और जब पिछड़ जाएंगे तो जो हमारे अधिकार हैं, जो हमको सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनसे कहीं हम वंचित रह जाएंगे। तो हमें अधिकार भी प्राप्त हो, हमें समाज में सम्मान भी प्राप्त हो। और भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता बदलने की बात नहीं करना चाहते, भारतीय जनता पार्टी व्यवस्था भी बदलने का काम करना चाहते। सत्ता तो बदलेंगे, व्यवस्था भी बदलेंगे। और हमारी पार्टी लगातार कहती है हम सम्मान भी देंगे, हम पहचान भी देंगे और हम आपको स्थान भी देने का काम। तो ये बात सम्मान की है, पहचान की है, स्थान की है। मैं आप सब लोगों को बधाई देते हुए अपनी वाणी को आराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा साहब